ਫੜ ਲਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਟਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਈ ਉੱਤਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਹਬੀਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 9 ਨੰਬਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗਿਫਟ ਫਰੋਮ ਦੁਬਈ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਓਪਨ ਗੇਟ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਓ ਜੀ ਆ ਖੜਿਆ ਐਮਰੇਟਸ 5111 ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਟਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਐਮਰੇਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚਾਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 3-3 ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਮੀਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ ਅਗਰ ਕੈਸੇ ਹੈ ਮੀਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਪੂਰਾ ਐਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟੀ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਮ ਲੰਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਸੀ ਸਭ ਕਰ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਉਂਡ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਨਵੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਰਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਨਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੈਣ ਸੇਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੋ ਜੀ ਲਾਗੇ ਟਾਇਰ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਈ ਉੱਤਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸ ਵਨ ਜਾਂਦੇ 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 ਵਾਹ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਈ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
ये है जी दुबई का एयरपोर्ट। बच्चे चले फ्रेश होन वाश वगैरह। हाँ जी बेटा मैं देख रहा या यू मे गो। लो जी ये एयरपोर्ट सब तो बिजी एयरपोर्ट है दुबई का। इतों हरेक किन्ने 2 मिनट बाद फ्लाइट उठती है 2 मिनट बाद। हाँ तो बहुत ही जब हूँ इतों असं कि जाऊँगे अभी बाहर निकलना इतों बाय बस मैट्रो चल दिया आई थिंक ना। हाँ दुबई अच्छा 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 नहीं इतों बाय मैट्रो जाऊँगे मैट्रो जाएगी ना। हाँ इतों असं मैट्रो के नाल जाके फिर असी एग्जिट होंगे इमीग्रेशन कराने तो बाद फिर अपने जेडे लगेज है वो कलैक्ट करूँगे फिर असी बाहर। एक्चुअली कई कंट्रियाँ घूम घूम के दुबई कोई ज़्यादा ओपरा नहीं लगता क्योंकि इतने आलमोस्ट जिन्हें भी वर्कर काम करते हैं उन्होंने हिंदी या अपनी पंजाबी लैंग्वेज आती है सारे इधर से ही अपने इंडियन टाइप के या पाकिस्तानी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। किसी ने भी पूछ के तुसी किसी तरह भी कितने भी जा सकते हो क्योंकि पहला भी मैं आ चुके हैं दुबई इस करके मनु कोई ओपरा नहीं लग रहा इस तरह तो बहुत वधिया। बाकी हुण निकलते हैं कराइए इमीग्रेशन तो चलिए बाहर दुबई फिर तुहानू दिखाने हैं किवें है किवें नहीं। बहुत वधिया नज़ारा पूरा आ देखो होर वेलकम टू दुबई हबीबी। ये सबसे शरारती बच्चा हमारे खानदान का और एक ये है बच्चे लगे हुए इतने लिफ्ट नीचे जाने लिए ट्रेन स्टेशन ट्रेन के नाल असं जाऊँगे बाहर दुबई तो ये खुल जाना ऑटोमैटिक है सारा कुछ पता नहीं हम ऑटोमैटिक लिफ्ट लिखा हुआ है कॉल पॉइंट हो गई अपने आप ही बंद हो जाएगी अपने आप ही सामने लेके जाएगी डोर क्लोजिंग लुक एट दिस। लो जी देख लो दुबई का एयरपोर्ट बड़ा ही शानदार चल पी लिफ्ट नीचे नो मैट्रो से हूँ ट्रेन च मैट्रो एक बार क्योंकि इतों जो एग्जिट है 3 किलोमीटर है इस करके 3 किलोमीटर ये बाय ट्रेन लेके जाने हूँ इतों डोर ओपन होंगे अपने आप ऑटोमैटिक डोर ओपन। लो जी हम इतने असं पढ़ना अराइवल वो देखो सामने सीधा लिखा हुआ अराइवल ये एरो देख के निकल जाना। इतों फिर लिफ्ट इतने मैटर आएगी हम बेटा सारा कुछ इतों मिलूगा ना बाहरों बाहर। हाँ ये देखो जी लिखा बार है दुबई के 2 मिनट रहने इतने हमने अरब क्योंकि नैक्सट ट्रेन 2 मिनट हूँ ट्रेन सानू लेके जाएगी उत्थे इमीग्रेशन लिए फिर असं अपने लगे चक के उसके बाद चो एग्जिट फिर पहुँच जाना 2 मिनट ट्रेन की वेट करने तो बाद फिर असं पहुँचूंगे दुबई के अंदर इतों एग्जिट हो जाना एयरपोर्ट तो इमीग्रेशन करा के मिलते फिर एक करी ट्रेन इज कमिंग नाउ आ गया लिखा हुआ इतने अराइवल अभी बैग चेक देखो ट्रेन इज अराइविंग नाउ एवं आई देखो ये ट्रेन आ गई ले भाई चल पी ट्रेन ये देखो ये है एयरपोर्ट की ट्रेन है ऐसा ये देखो है ये पूरा 3 किलोमीटर की राइड है जी सानू लेके जाएगी प्रॉपर जिथे साडा इमीग्रेशन होनी है तो साडा इतों लगेज कलैक्ट होना है बड़े ये है जी दुबई इमीग्रेशन की लाइन बहुत वड्डी इत्थे वैसे बहुत टाइम लग जाना है पर इन्हां दी स्मार्ट जिहड़ी इमीग्रेशन है बहुत तेज है
ऑटोमैटिक हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि तुम सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना तो सामने कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन्हें ऑटोमैटिक थोड़ी अखा स्कैन कर लेनी है कि तुम एग्जिट ना लगते। अभी लाइन से खड़े हैं हम इतने लगे हुए पूरे लाइन से सारे, पर छेती निकल जाऊंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना इतने। देखो जिस तरह थोड़े बैगेज जितने जी बैल्ट होने इनफॉर्मेशन इतनी होंगी इमीग्रेसन रिलेटेड, हम जिम्मे साढ़े दिल्ली तो आई है नाल फ्लाइट नंबर लिखा हुआ है तो नाल लिखा हुआ है नौ नंबर बैल्ट थोड़े लगे जोड़े तुम कलैक्ट करो। लो जी इमीग्रेसन होगी, इमीग्रेसन हो चुकी है, हम असं चले बैल्ट नंबर नौ पर अपना लगेज लेन। अभी और अं ट्रॉली कि नौ नंबर, हाँ चल पे जी नौ नंबर बैल्ट वाल, वो सा लगेज मिलेगा नौ नंबर बैल्ट तो असं अपना लगेज कलैक्ट करके फिर एग्जिट दुबई के बिच। हाँ उतु पाने बैल्ट ये है जी पूरा दुबई का एयरपोर्ट। लो जी पहुँच गए नौ नंबर बैल्ट पे, आ चुके हैं नौ नंबर बैल्ट। एक्चुअली एक एच ही आ गया साडा, बाकी बैल्ट वेट करते हैं हूँ आऊगा इतों एवें आने घूमते घूमते। देखो जो थोड़ा टैची इतने आना तो तुम अपना तार लून लू, नहीं तो बैल्ट उन्हें घूमते रहना है। ये नौ नंबर बैल्ट है, बैठ जा घूमया। हाँ उधर पिछले तक मैं आऊँगा, ये कहना असं बैल्ट पर बैठ के देखते हैं एक बार, बैठ जा स्लिप बच जाना। लो देखो जी ट्राली उरे खड़ी थी, सारे बैग उतों लेके आया, इन्हों कहने मेहनत करनी, बहुत स्ट्रगल करता है जिंदगी मुंडा। सही गल। लो जी आ गए बैल्ट सारे अटैची, चल पे हूँ एग्जिट वालू दुबई। ए जेंटलमैन सर खड़े हैं, सर व्हाट्स योर गुड नेम? आयु, आई एम कमिंग टू दुबई सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लो जी दुबई ड्यूटी फ्री हो सामने है। एग्जिट एग्जिट स्ट्रेट है भाई। इतों हूँ असी सीधा बाहर, एक सरप्राइज है सब लई, सानू इत्थे कोई मिलन आ रहा है, देखते हैं